हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू A24 नॉलेज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो आज हम आपके सामने आए हैं एक न्यू जॉब डिटेल के साथ। तो फिर उससे पहले हम करते हैं कल के दिए हुए क्वेश्चन पे। तो कल मैंने ये आपसे क्वेश्चन दिया था, ए पर्सन हैविंग रफ एंड इल मैनर, तो इसका वन वर्ड क्या होगा? तो इसका जो वन वर्ड है वो है आपका बुरिश। बुरिश का मतलब होता है असिस्ट या फिर गंवार। तो जो व्यक्ति अपने स्वभाव से रूड होता है या फिर उसका जो मैनर है वो बहुत ही खराब होता है, तो उसको हम इंग्लिश में कहते हैं बुरिश। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा नया क्वेश्चन है वो है आपके सक्सेशन ऑफ रूलर बिलोंगिंग टू वन फैमिली। इसका जो आंसर है हम आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो चलते हैं आज के हमारे न्यू जॉब रिक्रूटमेंट पर। तो ये जो वैकेंसी है आपकी निकाली गई है नाबार्ड के थ्रू। जी दोस्तों, नाबार्ड ने निकाली है डेवलपमेंट असिस्टेंट के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन। इसके लिए आप कर सकते हैं अप्लाई ऑनलाइन। तो जानते हैं क्या है उस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में और क्या है उसकी फुल डिटेल। तो आइए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड ने जो रिक्रूटमेंट निकाली है वो है आपके डेवलपमेंट असिस्टेंट पोस्ट के लिए। इसके लिए जो है अप्लाई ऑनलाइन आप कर सकते हैं। इसमें जो बात करते हैं इंपोर्टेंट डेट की, सबसे पहले तो 27 अगस्त से लेकर 12 सितंबर 2018 के बीच आप इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। इसका जो प्री एग्जाम है वो सितंबर या अक्टूबर 2018 में हो सकता है। अभी इसकी फीस डेट जो है अभी जारी नहीं करी है। जैसे ही ये जारी होगी हम आपको इसके बारे में सूचना दे देंगे। नंबर ऑफ पोस्ट की बात करते हैं तो यहां पर स्टेट वाइज जो है इनके जहां पर भी इनके ऑफिस है वहां पर इनकी वैकेंसी निकली हुई है। तो आप अपने स्टेट वाइज यहां पर आपकी वैकेंसी देख सकते हैं। वैकेंसी कम है, इसमें 70 समथिंग वैकेंसी यहां पर निकाली गई है। उसके बाद फ्रेंड्स बात करते हैं एक्स्ट्रा डिटेल्स की। तो यहां पर जो आपसे एज मांगी गई है वो मांगी गई है 18 से 35 साल की, और ये जो एज है आपकी 1/8/2018 को काउंट होगी। मैक्सिमम एज की बात करते हैं तो यहाँ पर SC ST OBC PWD कैंडिडेट विडो वुमेन को जो है छूट मिलती है, जो उसको वो छूट मिलेगी। अब बात करते हैं फ्रेंड्स एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। तो यहाँ पर सबसे पहले बैचलर डिग्री आपकी किसी भी डिसिप्लिन में आपके पास होनी चाहिए मिनिमम 50% मार्क्स के साथ। और यदि आप SC ST PWD कैंडिडेट हैं तो आपके पास सिर्फ पासिंग अगर मार्क भी है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स बात करते हैं तो आपकी जो एजुकेशन है वो कंप्लीट हो जानी चाहिए 1/8/2018 से। और यहां पर यदि आपके पास CGPA भी है तो आप यहां पर उसकी काउंटिंग बता रखी है कि आप उसको कैसे काउंट कर सकते हैं। उसके बाद स्कीम ऑफ सिलेक्शन जो है आपका यहां पर प्री एंड मेन दोनों एग्जाम पर होगा, जो कि ऑनलाइन मोड में होगा। प्री की बात करते हैं तो इंग्लिश लैंग्वेज, न्यूमेरिकल लैंग्वेज और आपके रीजनिंग जो है यहां पर 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के आपके आएंगे। एक घंटे का आपको यहां पर समय मिलेगा। फेज टू जो है आपका यहां पर देखिए 5 सेक्शन में डिवाइडेड है। तो जहां पर पहला और जो तीसरा जो सेक्शन है आपका वो है आपके रीजनिंग और क्वांट का, और आपके उसके अलावा जनरल अवेयरनेस है, कंप्यूटर नॉलेज है। तो फ्रेंड्स उसके बाद जो टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज है आपकी वो आपके यहां पर जो है डिस्क्रिप्टिव टाइप का पेपर आपका यहां पर होगा। यहां पर 90 मिनट जो है आपको ऑब्जेक्टिव टाइप्स के लिए और 30 मिनट जो है डिस्क्रिप्टिव टेस्ट के लिए मिलेंगे। और ये जो पेपर है आपका बोथ मतलब इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज दोनों में आपको अवेलेबल रहेगा। मेन एग्जाम के लिए 1:25 में बुलाया जाएगा कैंडिडेट को, और 1/4 की यहां पर नेगेटिव मार्किंग रखी गई है। तो फ्रेंड्स यहां बात करते हैं पे स्केल की। तो 14,650 रुपए आपको 2 एडवांस इंक्रीमेंट के साथ जो है सैलरी मिलेगी। ये जो है आपकी स्टार्टिंग बेसिक पे है। उसके बाद जो आपकी टोटल ग्रोस एलिमेंट होगी अप्रोक्सीमेटली 31,000 तक आपकी यहां पर सैलरी हो जाएगी। उसके बाद फ्रेंड्स बात करते हैं इसको अप्लाई आप कैसे कर सकते हैं। तो इसका जो लिंक है आपको हमारे वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एप्लीकेशन फीस की बात कर लेते हैं तो SC ST PWD और एक्स सर्विसमैन के लिए 50 रुपए फीस है, और अदर कैटेगरी जितनी भी है जनरल OBC उनके लिए टोटल जो फीस वो 450 रुपए यहां पर रखी गई है। तो फ्रेंड्स ये थी नाबार्ड से रिलेटेड कुछ जानकारी जो मैंने आपके साथ शेयर की। आशा करता हूं आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और देखते रहिए A24 नॉलेज एंड द लास्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।